सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तनम। ये कक्षा 10 में ये पाठ्यक्रम में है। इसमें दो होते हैं वाच्य परिवर्तन में, कर्तृवाच्यम और कर्मवाच्यम। इनके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले इसके नियम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। कर्तृवाच्य के प्रयोग में, कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है जब कर्तृवाच्य में प्रयोग करेंगे। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म में हमेशा क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया क्या होगी, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, क्रिया वो है वो कर्ता के अनुसार चलेगी। जैसे बालक है पाठम पठति, बालक पाठ को पढ़ता है, बालक पाठ को पढ़ता है। आगे है कर्मवाच्य के प्रयोग में, कर्मवाच्य यदि हम इसको बनाएंगे, कर्तृवाच्य को यदि हम कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा, कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्ता में क्या हो जाएगा फिर, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चलेगी, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार चलेगी, कर्तृवाच्य में क्रिया के अनुसार चलेगी। जैसे बना था बालक पाठम पठती, तो इसका क्या बन जाएगा, बालक का क्या हो जाएगा, बालकेन, पाठम का क्या हो जाएगा, पाठः, और पठते का क्या हो जाएगा, पठयते। इस प्रकार से ये बनेंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं इनके जो नियम हैं, यही महत्वपूर्ण है, इनके नियमों को दोबारा देख लेते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति बनेगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार रहेगी। और जब हम इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे तो कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगी। क्रिया क्या होगी, कर्म के अनुसार होगी। जैसे बालक है पाठम पठति का क्या बन जाएगा, बालकेन पाठ पठ्यते, बालकेन पाठ पठ्यते। इसको हम किस प्रकार से याद रखेंगे, देखो कर्मवाच्य के प्रयोग में वर्तमान काल में क्रिया रूप इस प्रकार से होते हैं, ये ऐसे बनेंगे भी। इसमें तीन वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और तीन ही पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो क्या कैसे बनेगा, प्रथम पुरुष में पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसि, पठ्येथे, पठ्यद्वये, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। इसको याद कर लेना, ये इस प्रकार से बनेगा। आगे हैं इसके कुछ उदाहरण दिए गए वाच्य परिवर्तनम के, कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार के इसमें उदाहरण दिए गए। इन उदाहरणों को ध्यान से देखना है और नियमों को भी याद रखना है। अशोक लेखम लिखती, ये कर्तृवाच्य है, अशोक लेखम लिखती, तो इसको कर्मवाच्य में यदि हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, ये अशोक का क्या हो जाएगा, अशोकेन, और लेखम का क्या हो जाएगा, लेख, और लिखती का लिख्यते, लिखती का क्या बन जाएगा, लिख्यते बन जाएगा। अगला है महिला जलम आनयंती, महिला जलम आनयंती का क्या बन जाएगा, महिला का क्या बन जाएगा, महिला भी, जलम का जलम रहेगा क्योंकि नपुंसकलिंग है, और आनयंती का क्या बन जाएगा, आनयते, आनयते बन जाएगा। मित्रम सहयोगम ददाति, मित्रम सहयोगम ददाति का क्या बनेगा, मित्रम का बन जाएगा मित्रेण, मित्रम का क्या बन जाएगा, मित्रेण, सहयोगम का क्या बन जाएगा, सहयोग, और ददाति का क्या बनेगा, दियते, ददाति का दियते बन जाएगा। अगला है लता राष्ट्रगीतम गायती, तो लता का तृतीय क्या बनेगा, लतया, लतया बन जाएगा, और राष्ट्रगीतम का राष्ट्रगीतम ही रहेगा, और गायती का क्या बन जाएगा, गायती का बनेगा गीयते, लतया राष्ट्रगीतम गीयते। शर्मिका वेतनम लभन्ते, शर्मिका वेतनम लभन्ते का क्या बन जाएगा, शर्मिका का बन जाएगा शर्मिकाई, शर्मिकाई तृतीय का बहुवचन है, वेतनम का वेतनम रहेगा, और लभन्ते का बन जाएगा लभ्यते, लभन्ते का क्या बनेगा, लभ्यते बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसके नियम याद रखने हैं, कैसे इनके रूप बनते हैं,
हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें वर्तमान काल का ही आएगा, वर्तमान लट लकार का ही आएगा। इस प्रकार से इनको कर्तृवाच्य के जो कुछ नियम में ये दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, इनको याद रखना कि इसको हम किस प्रकार से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत।